हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बड़ी खुशी मिली यह जानकर कि मेरा पिछला वीडियो मतलब कुछ पुराने स्टूडेंट्स के पास भी पहुंचा, जो अभी भारत सरकार या राज्य सरकार के विभिन्न एवं महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं और जिसे अभी कोरोना वॉरियर्स के रूप में तैनात किया गया है। तो कुछ ने फ़ोन करके, कुछ ने मैसेज करके हमें बताया कि सर हमें बड़ा अच्छा लगा वीडियो हमारे पास पहुंचा, हम तो अभी ड्यूटी में तैनात हैं कोरोना वॉरियर्स के तौर पे, लेकिन जब हम ड्यूटी से आए तो हम तक वीडियो जब पहुंचा तो हमने देखा तो हमें लगा कि सर को थोड़ा कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए। तो कुछ ने कॉल किया, कुछ ने मैसेज किया, तो ये अच्छा लगा कि चलिए कम से कम सभी लोग अपने अपने जगह पर अपने अपने स्तर से देश की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, होना भी चाहिए। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, हम अपने देश की सुरक्षा करें। और हमने पहले भी कोरोना वॉरियर्स के लिए एक मैसेज दिया था, मैं फिर से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए तत्पर हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, क्लिनिकल स्टाफ हों, या फिर पुलिस प्रशासन हो, मीडिया कर्मी हो, या फिर एम्बुलेंस या ज़रूरत के सामग्री ले जाने वाले हमारे ड्राइवर्स हों, या फिर किराना स्टोर चलाने वाले दुकानदार हों, या गली मोहल्ले में सब्जी फल बेचने वाले वर्कर्स हों, या पीपीई किट्स बनाने वाले वर्कर्स हों, या फिर घर में बैठे हुए उन तमाम 130 करोड़ वासी जो इस युद्ध से लड़ने के लिए पूरी तरह कमर कस के तैयार हैं, मैं उन्हें तहे दिल से सल्यूट करता हूँ। और ये होना भी चाहिए, देश के लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं, अपने स्तर पर काम शुरू कर दें। और यहाँ पर एक दिनकर साहब की कविता याद आती है, बड़ी मार्मिक कविता उनकी रही है। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है वो तो है ही नहीं इस धरती पर, वो पशु के समान है, कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ आएगा जाएगा, कुछ नहीं। तो ये यही वक्त है, यही दौर है एक इतिहास रचने का। जन्म और मृत्यु यही दो सत्य हैं, इसी के बीच में हमको कुछ करना होगा, कुछ अनोखा करना होगा जो दुनिया को एक मैसेज नया जाए। चाहे वो लेबोरेटरी में काम कर रहे वैज्ञानिक बन हों, सभी अपने अपने जगह पर कुछ न कुछ योगदान देकर इस, भले ही हमको क्रेडिट ना मिले दूसरे के द्वारा, लेकिन खुद को क्रेडिट हम ले सकते हैं कि हमने अच्छा किया है, हमने घर में रहकर हमने देश की सेवा की है, हमने बॉर्डर पर रहकर हमने देश की सेवा की है। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं एक जुनून पैदा करता है और ये होना चाहिए, तभी देश सफल होता है, मानवता सफल होती है। यानी हमने पिछले क्लास में देखा था कि फिजिक्स क्या है और उससे रिलेटेड टॉपिक्स क्या होते हैं, चाहे वो 11th के हों चाहे 12th के हों। हमने 30 मिनट में 11th और 12th का फिजिक्स आपको बताया था और अब उसकी सफलता को देखते हुए हमने आपको बोला था कि हम 12th का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या हमको पढ़ना होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ लोगों ने कहा था कि सर थोड़ा बड़ा लिखा जाए जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे, तो देखिए आज कहीं ठीक ठाक लगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा होगा इंट्रोडक्शन यानी परिचय। दूसरा टॉपिक होगा कूलम्ब का नियम। अगला टॉपिक होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस और फ्लक्स भी हम लोग पढ़ लेंगे इसी से रिलेटेड। इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं और क्षेत्र रेखाओं से जुड़ा हुआ एक फिजिकल क्वांटिटी होता है फ्लक्स। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा एवं विभव। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मतलब हो गया विद्युत, डाय मतलब होता है दो, पोल मतलब ध्रुव यानी द्विध्रुव। गॉसेस लॉ यानी गॉस प्रमेय या गॉस का नियम, और उसके बाद हम लोग देखेंगे अदर टॉपिक्स। कुछ जो छूट जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो इतने सारे टॉपिक्स हम पार्ट वन में देखेंगे, और पार्ट टू में अगर बात करें तो हमारा होगा कैपेसिटर एंड कैपेसिटांस। कैपेसिटर बोले तो संधारित्र एवं संधारित्र क्षमता। तो इतना टॉपिक अगर आप पढ़ लिए तो एनसीईआरटी के हिसाब से दो चैप्टर हो जाएगा। एससी वर्मा साहब हो या एम करीम साहब हो या उनके हिसाब से दो तीन चार चैप्टर हो जाएगा। अलग अलग राइटर के हिसाब से अलग अलग कवर हो जाएगा। तो इतने टॉपिक्स को हम एपिसोड वाइज सोचा जाए, इसको करीब बाय करीब हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक दूसरे से ये लिंकअप है, और लिंकअप होता है तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो अब आगे देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इतना सारा चीज़ अगर आप पढ़ लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका हो जाएगा, और ये लगभग 30-40 एपिसोड चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पार्ट वन में हम क्या पढ़ते हैं, पार्ट टू में हम क्या पढ़ते हैं, ये एक एपिसोड में हम थोड़ा सा इसको समाप्त कर लेते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें इंट्रोडक्शन यानी परिचय, इसके अंदर क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, चार्ज क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, आवेश का घन क्या होता है, आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, आवेश का बंटवारा क्या होता है। कहने का मतलब है कि इसके अंदर हम तमाम फैक्ट्स को देखेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए जरूरी है। जैसे हम लोग मैकेनिक्स को अच्छे तरीके से डील करने के लिए हम लोग वेग के बारे में जानते हैं, त्वरण के बारे में जानते हैं, चाल के बारे में जानते हैं, समय क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ओरिजिन क्या है, एक्सिस क्या है, ये सारा चीज़ जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो मैकेनिक्स हमको बेहतर समझ में आता है। ठीक उसी प्रकार से अगर इंट्रोडक्शन आप अच्छे से समझते हैं तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इंट्रोडक्शन के अंदर इन सारी चीज़ों को पढ़ के आगे चलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कूलम्स लॉ यानी कूलम का नियम, कूलम के नियम में हम लोग देखते हैं कि कूलम लॉ आया क्यों, जल्दी आखिर क्या पड़ा जो कि इनको आना पड़ा, इन्होंने क्यों नियम दिया, किस लिए नियम दिया। तो आप इसमें देखेंगे कि अगर कोई आवेश आ जाता है तो दूसरे आवेश पर फोर्स भी डेवलप करता है, और फोर्स अगर है तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर करने की आवश्यकता होती है। उसमें एरर्स क्या होते हैं, कूलम्स लॉ के सीमाएं क्या हैं, कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर देखेंगे। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, और इससे जुड़ा हुआ एक फिजिकल क्वांटिटी होता है फ्लक्स यानी विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं
तथा फ्लक्स। तो इसका मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो कहता है कि अगर किसी वस्तु पर चार्ज आ जाता है, ये अपने चारों तरफ एक अदृश्य जो है फील्ड पैदा करता है, जो सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, क्योंकि आवेश के कारण उत्पन्न हुआ। अगर चुंबक के कारण होता है तो उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं और उसी से जुड़ा हुआ एक लाइंस, काल्पनिक रेखाएं पैदा होती हैं, हम लोग मान के चलते हैं, उसको हम बोलते हैं फील्ड लाइंस। और उसी फील्ड लाइंस से जुड़ा हुआ एक भौतिक राशि होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लक्स, और इसके बारे में हम लोग पढ़ के चलेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। जाहिर सी बात है कि अगर आप दुनिया में आ गए तो आप कुछ काम करते हैं, बिना काम के हो ही नहीं सकता, चाहे सोना हो, खाना हो, पढ़ना हो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसका मतलब काम करना है मतलब एनर्जी। तो इसका मतलब है कि किसी वस्तु पे चार्ज आ जाए तो उसके इर्द गिर्द क्या मतलब एनर्जी होती है, एनर्जी क्या होती है, दो चार्ज के बीच एनर्जी क्या होती है, सिंगल चार्ज के बीच एनर्जी क्या होती है। तो सिंगल चार्ज के लिए बात करते हैं तो पोटेंशियल, दो या मल्टीपल चार्जेस के लिए बात करते हैं तो वो होता है एनर्जी। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी टू और मोर देन टू चार्जेस के लिए एनर्जी को हम कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे कि दो आवेश के बीच स्थिति ऊर्जा क्या होती है, और सिंगल चार्ज के कारण विभव क्या होता है, वो सारा कुछ हम देखेंगे, चाहे वो धनावेश हो चाहे वर्णिन आवेश हो, उसके कारण हम लोग विभव निकालने के लिए यहाँ सीखते हैं, तो इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डैपोल यानी विद्युत विद्रोह, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डैपोल भी पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करता है। जितना भी हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप H2O लेते हैं, तो H2O लेते हैं तो HO लेते हैं, इधर H, दैट मीन्स दोनों के बीच 104 डिग्री के आसपास एंगल होता है। तो ये जो O है वो स्लाइटली माइनस और H जो है स्लाइटली प्लस, दैट मीन्स जितना यहाँ प्लस उतना ही यहाँ माइनस, तो ये एक डाइपोल का काम करता है। तो जितना परिमाण यहाँ है उतना ही परिमाण यहाँ है, फर्क ये है कि यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है। और NaCl सोडियम क्लोराइड, तो Na प्लस Cl माइनस, तो जितना यहाँ प्लस उतना ही यहाँ पर माइनस, तो ये एक डाइपोल का काम करता है। तो केमिकल फेनोमेना जहाँ भी होती है तो अप्रोक्सीमेटली कहा जाए कि वहाँ पे हमारा डाइपोल आता है, तो डाइपोल वहाँ भी पढ़ते हैं, हम इधर भी पढ़ते हैं, तो उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब जब चार्ज आ गया, सपोज दैट ये डाइपोल है, इधर प्लस माइनस, तो प्लस के कारण भी एनर्जी, इसके कारण भी एनर्जी, इसके कारण भी पोटेंशियल, इसके कारण भी पोटेंशियल, इसके कारण भी फील्ड, इसके कारण भी फील्ड, तो पूरे डाइपोल के कारण फील्ड क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, इसका मोशन क्या होगा, ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर डाई मतलब हो गया दो, होल मतलब ध्रुव, तो प्लस और माइनस ये दोनों मिलकर के जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा, और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं उसको हम लोग देखते हैं, जैसे फील्ड निकालना, पोटेंशियल निकालना है, सो उसके बाद बात करते हैं गॉस लॉ। गॉस साहब जो है एक बहुत बड़ा लॉ देखे गए जो कूलम्स लॉ को आसान कर देता है। कूलम्स लॉ जो है वो थोड़ा सा फील्ड निकाल सकता है, फोर्स निकाल सकता है, लेकिन हम गॉस लॉ के माध्यम से थोड़ा आसानी से हम लोग इजीली जो है फील्ड निकाल सकते हैं। इस वजह से गॉस लॉ को जो है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे बेसिक लॉ समझते हैं, और इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि गॉस लॉ है क्या, इसको प्रूफ करना होता है कि स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया। उसके बाद इसके लॉ से हम लोग कूलम्स लॉ पैदा करना, कूलम्स लॉ से गॉस लॉ पैदा करना, ये सब देखा जा सकता है। दूसरी बात कि इसका एप्लीकेशंस क्या होते हैं, मतलब किस आवेशित वस्तु के कारण हम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, उसको हम देखते हैं। और जो मान लो दिमाग से स्लिप कर गया, कुछ अदर टॉपिक्स देखते हैं, जो जनता जनार्दन आता है हम तक, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये हम पार्ट वन में देखते हैं। तो पार्ट वन में हम लोग ये देखते हैं कि ये सिर्फ आप समझिए, रट्टा मारिए, पैकेट में लेके घूमिए, जैसे ही कोई आपसे सवाल किया आप भी मुझसे निकालिए, इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ आप समझिए। लेकिन आप पार्ट टू में जो देखते हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ये बहुत ही फैक्ट है, ये डे टू डे लाइफ में आपका काम आता है, हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, एज ए एग्जांपल हम लोग कंडेंसर यूज करते हैं, पंखा में यूज करते हैं, टीवी में यूज होता है, रेडियो में यूज होता है। इसका मतलब है कैपेसिटर का हमारे लिए काफ़ी उपयोगिताएं हैं, इस वजह से इसको पढ़ना भी है, समझना भी है, इसको जोड़ने के लिए सीखना है, इसके अंदर एनर्जी क्या होती है। जैसे इसका काम है फिल्टर करना, फिल्टर सर्किट भी इसको बोलते हैं। मतलब ये कि जैसे पंखा है,
पंखा है तो वो क्या करता है कि अननेसेसरी एनर्जी को वह रोक देता है और जो ज़रूरत का है वही एनर्जी फैन को देता है। टीवी में ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, जो अननेसेसरी एनर्जी वो जाने का प्रयास करेगा उसको वो रोक देगा, मतलब फिल्टर कर देता है। तो रेडियो है उसमें भी होता है, फिल्टर कर देता है। इसका मतलब यह है कि फिल्टराइज करने का काम कैपेसिटर का होता है, जो कि काफ़ी ज़रूरत है। तो इस तरह से आप ये सभी चीज़ें जब पढ़ लेते हैं तो आपको थोड़ा मज़ा आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। अब आप इन सभी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ये जितना भी एपिसोड चले वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, नॉलेज अथा होता है उसमें कहीं कोई बुरा नहीं होता है। इसको अगर आपको सीखना है, अगला टॉपिक सीखना है, अगला चैप्टर सीखना है, आपको कंटिन्यूसली जुड़ना होगा, कुछ न कुछ स्टडी करना होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप एक दिन में 10 घंटा 12 घंटा 20 घंटा पढ़िए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका एक मतलब लेवल होता है। जितने भी लोग सुन रहे हैं आप ये देखिए कि आप चाहते क्या, आपका टारगेट क्या है। आप एकेडमिक में हों, मतलब 9th 10th तैयार कर रहे हों या 11th 12th की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम IIT हो, मेडिकल हो, पारामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI, जो भी है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, या फिर सिविल सर्विसेज के लिए या किसी जॉब के लिए जा रहे हैं। फिजिक्स आपके लिए एग्ज़ाम के काइंड ऑफ व्यू से तो है ही, डिग्री के काइंड ऑफ व्यू से तो है ही आवश्यक। उसके अलावे नेचर से काफ़ी ये जुड़ने का काम करें। आप किसी को जब देखते हैं तो पहले फिजिकली आप देखते हैं, फिर आप केमिकली या जो भी बायोलॉजिकली इफेक्ट होता है, पहले फिजिकली हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, टच करते हैं, अनुभव करते हैं। इसका मतलब है पहला फेज जो होता है फिजिकल। इसका मतलब यह है कि आप इसको समझिए, नेचर को समझिए, और नेचर को समझ गए तो फिर मज़ा आएगा। और धीरे धीरे अब हम डीप में घुसेंगे। तो अब यहाँ पर आपका पढ़ने का स्टाइल क्या होना चाहिए, कहीं भी जरूरी नहीं कि आप यहीं पे पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर स्टूडेंट आप हैं तो जाहिर सी बात है सीखने का ललक आपके अंदर है। तो सीखने का ललक है तो आपका टारगेट क्या है पहले ये डिसाइड कीजिए। उस टारगेट से रिलेटेड क्या चैनल्स जरूरी है आपके लिए वो देखिए। हमारे पास गूगल बाबा है, विकिपीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ये सारी चीज़ें हैं, हम उस पर ज्ञान को अर्जित करते हैं हर तरह की। लेकिन आपके लिए अभी क्या जरूरी है वो देखने की आवश्यकता है। आपका टारगेट क्या है, टारगेट से रिलेटेड आप देखिए, जुड़िए तो ज़्यादा बेटर। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि हम यहीं पे पढ़ते चले गए, हमको सफलता नहीं चाहिए। आपको पढ़ने के कई तरीके हैं, बेसिकली दो तरीके हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, सपोज पढ़ रहे हैं, तो आपका बेसिक उद्देश्य जो होता है समझने के लिए, लर्निंग करने के लिए, ये दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है कि आप डिपेंड हो जाइए, मतलब हमारा जो नोट्स है उस पर आप डिपेंड हो जाइए, या किन्हीं का नोट्स है चाहे जिस सब्जेक्ट का हो, आप उस पर सिर्फ दी, आप कुछ गलत बयान का कुछ नहीं, घोड़ा की तरह एकदम स्ट्रेट देते हैं। इसका मतलब है आप डिपेंड हो गए। किस पर डिपेंड हो गए? नोट्स। और अब इसमें जो लिखा हुआ है सिर्फ उसी को आप देख रहे हैं। दूसरा तरीका है अंडरस्टैंडिंग, समझ, सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है नोट्स पे पकड़ बनाए, दूसरा तरीका हो सकता है बुक्स हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि यूट्यूब जो भी है चैनल्स। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि आप अगर डिपेंड हो जाते हैं किसी के नोट्स पे, मेरे नोट्स पे या किसी के नोट्स पे, आप सिर्फ और सिर्फ डिग्री ले सकते हैं। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके पास समझ आएगी, समझदारी आएगी और सम्मान भी। सम्मान से मेरा मतलब ये है कि आइंस्टीन साहब जो करके चले गए, हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब जो करके चले गए, वो शायद किसी को करने के लिए सोचना पड़ेगा। ये समझदारी से आई, सेल्फ स्टडी से हुआ। प्रेजेंट टाइम में हमने देखा कि हमारे SC वर्मा साहब जो फिजिक्स के काफ़ी नॉलेजेबल बंदे हैं, उनको अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग को विकसित की, नेचर से उन्हें लगाव हो, तब जाके वो कहीं ना कहीं डीपली सोच पाए। तो आप अगर मैंने ये समझदारी पैदा कर देते हैं तो फिर आपको मज़ा आता है। और हमने बार बार कहा है कि आपको क्या जरूरी है, आपका टारगेट क्या है, उससे रिलेटेड आप चीज़ें देखिए तो ज़्यादा अच्छा। क्योंकि ये सब चैनल वगैरह जो है ये समंदर, अब समंदर में आप गोता लगाए तो आप जा क्या रहे, वहाँ से निकालना क्या है, वो चीज़ आप देखिए,
मोती निकालना है कि मछली निकालना है कि क्या चीज निकालना है, सिर्फ उसको आप फोकस कीजिए, उसके हिसाब से आप अपना डायनेमिकली मैकेनिकली सब कुछ फॉरफिट होके जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप उस हिसाब से अपने आप को ढालिए कि हमको क्या करना है। तो आज की डेट में आपको डिग्री भी जरूरी है, सेल्फ स्टडी भी जरूरी है, क्योंकि कहीं पे हो, चाहे आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाएं या सरकारी जॉब में जाएं, तो डिग्री का होना बहुत ज़रूरी होगा। और जब आप डिग्री लेकर के अंदर घुस गए तो वहाँ पर आपके डिग्री की पूजा नहीं होगी, आपके नॉलेज की पूजा होगी, आपके समझ की पूजा होगी। तो इसका मतलब है कि आपके लिए दोनों जरूरी है अगर बेहतर लाइफ जिंदगी जीनी है तो। तो इस तरह से आप सेल्फ डिपेंड भी हो जाइए और सेल्फ स्टडी भी कीजिए, तब दोनों थोड़ा मज़ा आएगा, चाहे जो भी। और जितने भी लोग हैं उनको लग रहा है हमको बेहतर करना है लाइफ में, तो इसमें कहीं को दो राय नहीं है। आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि 10 घंटा का रूटीन बना लिए, 20 घंटा का रूटीन बना लिए, फिर पता चला कि आज पढ़े कल ख़त्म, इस तरह से होता है। और ये अक्सर होता है क्योंकि उसको पता नहीं है हमको रूटीन बनाना कैसे चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, करना क्या चाहिए। तो आप जो भी हैं, ओबियस है कि आप सामाजिक प्राणी हैं, तो आपके साथ कई सारी बाधाएं आती हैं, चाहे वो आपके फैमिली के द्वारा दिया गया हो, समाज के द्वारा दिया जाता हो, आपके फ्रेंड्स के द्वारा दिया जाता हो, जहां से भी हो आपको बाधाएं आएंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब उसको झेलना आपको है। तो आपका पढ़ने का जो तरीका, यदि आप लर्नर हैं, आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ इसके माध्यम से करना चाहते हैं, लाइफ में क्या हर चीज़ में, चाहे आप खेल कूद में जाएं, मनोरंजन में जाएं, जिस क्षेत्र में जाइएगा, बिना स्टडी का तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, इस बात का फुल गारंटी है। आपको यहाँ नहीं कर पाए तो वहाँ तो करना ही पड़ेगा, चाहे जहाँ जाइए। इसका मतलब है कि आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, वे ऑफ लर्निंग, वे ऑफ स्टडी। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर देखिए, हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इस पर हम दे रहे हैं आवर्स, यहाँ हम लिख रहे हैं डे, और एक ग्राफ और नीचे हम बना रहे हैं, इस पर भी लिखा हुआ है आवर्स, इस पर लिखा हुआ है डे, और ये मान लीजिए साल भर, दो साल भर या जो भी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे एंड सो ऑन। ये जितना भी डे का आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये इस तरह से आपका डे लिखा हुआ है, और यहाँ पे आवर्स लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ऐसा है जो फर्स्ट डे में 4 घंटा पढ़ा, सेकेंड डे में 6 घंटा पढ़ा, थर्ड डे में फिर 4 घंटा पढ़ा, फिर अगले डे में 2 घंटा पढ़ा, फिर अगले डे में सो गया, मतलब 0, फिर अगला सो गया, फिर अगला उठा 8 घंटा पढ़ा, फिर अगला दिन सो गया। तो इस तरह से अगर इसका ग्राफ ड्रॉ हम करें तो कुछ इस तरह से जा रहा है, यूं 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 यूं। किसी बंदे के द्वारा किस दिन कितने घंटे दिए गए वो आप देख सकते हैं, कभी उसने 4 घंटे दिए, कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी कुछ, कभी 0, इस तरह से इसका जिगजैग ग्राफ है। इसका मतलब है सक्सेस का चांस जो है इस सिचुएशन में थोड़ा कम है, अपेक्षाकृत ना के बराबर, 90% चांस है कि ये बंदा थोड़ा फेलियर हो। अब इस बंदे के लिए देखते हैं, एक ऐसा बंदा है जो अपने आप को ढाल दिया कि नहीं भाई, हमको स्कूल भी जाना है, खेल भी करना है, मनोरंजन भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन हम लगता है कि 4 घंटा हम पढ़ सकते हैं, 6 घंटा हम पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो 4 के अप्रॉक्स जो है वो अपने आप को ढाल रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, स्ट्रिक्ट होना संभव नहीं है लाइफ में, कोई भी इंसान हो दुनिया का, तो थोड़ा मोड़ा का उतार चढ़ाव अगर होता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो हर हाल में प्रत्येक दिन एक कॉन्फिडेंस बनाया है कि हमको 4 घंटे के आसपास पढ़ना है तो है, चाहे आप रात भर पार्टी करके आए हैं, चाहे रात भर आप क्रिकेट देखे हैं, रात भर आप IPL देखे हैं, या जो भी किए हैं, उस स्थिति में आप स्कूलिंग करके
कोचिंग करके या जो भी है वो काम करके आप 4 घंटा निकाल करके आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है आपके सफलता का चांस 90% नहीं 98% मिल जाएगा। ऐसा ही कभी होगा जो आपके सफलता में कुछ कालापन आए, दैट मीन्स आपके साथ अनहोनी, लेकिन इस बात का फुल गारंटी है कि आपका नॉलेज कोई नहीं देगा। तो ये ग्राफ आपको सफल बनाएगा, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है। आप अपने आप को सोचिए कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। आप सेकेंड ग्राफ को पकड़िए, अपने आप को ढालिए कि हम कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, कैसे पढ़ें। रूटीन के साथ नहीं कि इतना बजे से इतना बजे पढ़ना, नहीं, 24 घंटा आपके पास है, आपको जब टाइम मिले आप पढ़ें। तो ये आपका था पढ़ने का तरीका। अब हम देखते हैं कि आगे बढ़ने से पहले अब हम घुसेंगे अंदर। तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट टॉपिक हमने लिखा था इंट्रोडक्शन। तो हमने कहा था कि इंट्रोडक्शन आपके लिए ज़रूरी है, तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे इंट्रोडक्शन। लेकिन उससे पहले ये ध्यान में रखना है कि आप जब भी अब आगे पढ़िएगा, अभी तक तो कुछ नहीं पढ़े हम लोग, आगे जब भी बैठिए तो आप अपने सामने एक कॉपी, एक किताब, कॉपी, कलम, किताब जो भी है वो पास में रखिए। किताब हो नहीं हो, कॉपी और पेन ये ज़रूर होना चाहिए। कोई भी ऐसा चीज़ निकला उसको फटाक से लिखिए। आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, लेकिन हम रिवाइंड क्यों करें, MB दोबारा ख़त्म क्यों करें, या फिर समय दोबारा ख़त्म क्यों करें। आपके लिए तरीका है कि हम जिस चीज़ को पढ़ें उससे कुछ सीख लें। दो ही चीज़ सीखने को मिला, हम सीख लें उसको अंडरलाइन कर लें। फिजिक्स वाले कॉपी में फिजिक्स का नोट कीजिए, केमिस्ट्री वाले में केमिस्ट्री का नोट कीजिए, इंग्लिश वाले में इंग्लिश का नोट कीजिए। कुछ तो सीखिए। अगर हम फेसबुक, ट्विटर जो भी चला रहे हैं उस पर आप देखते जाते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें लगी उसको नोट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। ये सबसे बड़ा तरीका है आपका सीखने का। और जब तक ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपका समय बर्बाद चला जाएगा। मोबाइल ये सब जो है हमारा टाइम किलर, तो टाइम किलर के बीच आप रह रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी भी है। तो उसमें ज़रूरी चीज़ें भी है, अनावश्यक चीज़ें भी हैं, आवश्यक चीज़ें भी हैं। तो आपके लिए क्या ज़रूरी है वो देखें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।